Welcome students to class 5 maths chapter 8 measurements session 8.4. अब तक हमने conversion कर लिया है. हमारे पास चार basic operations हैं, addition, subtraction, multiplication and division. उसमें से हमने addition and subtraction के ऊपर based questions भी कर लिए हैं. आज हम करेंगे multiplication and division. आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा होल नंबर्स में खरीदें. अगर आपको क्लॉथ ख़रीदना है, कई बार आप 1.5 मीटर्स भी लेना चाहोगे तो उस टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन काम आएगा लेंथ का. और हो सकता है आप बल्क में कहीं से क्लॉथ खरीद के लाए और उसको फिर आप अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करो तो उसमें आपका डिविजन काम आएगा. तो ये जो लेंथ के क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी बहुत ध्यान से वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना नहीं भूलना. तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एग्जांपल से. मल्टीप्लाई 17.08 मीटर्स बाय 6. तो इसको आप पहले तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे और नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे. आप सोचिए ये डेसिमल पॉइंट जो है ये नहीं लिखा हुआ. हम स्टार्ट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 8 से. 6 इंटू 8 इज़ 48, 4 एट द टॉप, 8 एट द बॉटम. फिर 6 इंटू 0 इज़ 0 एंड प्लस करेंगे ऊपर का 4 तो आंसर आ जाएगा 4. 6 इंटू 7, 42, 4 एट द टॉप, 2 एट द बॉटम. 6 इंटू 1, 6 प्लस 4, 10. तो ये तो हो गए डिजिट्स. अब आप देखिए क्वेश्चन में दो के बाद डॉट है, दैट इज़ डेसिमल. तो यहाँ पर भी आंसर में आप दो डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर हो गया 102.48 मीटर्स. एग्जाम्पल टू. फोर कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्ट 16.480 किलोमीटर्स ऑफ रोड. हाउ मच रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई ईच ऑफ देम. ना यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, ये नंबर जो दे रखा है 16.480 किलोमीटर. 16.48 लिखते तो भी बात वही थी. पीछे डेसिमल के बाद आप कितने भी ज़ीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ डेसिमल के बाद इन्होंने लास्ट डिजिट ज़ीरो लिखा है. ये इसलिए क्योंकि अगर हम इसे किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 16 किलोमीटर 480 मीटर्स. चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. फोर कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्ट 16.480 किलोमीटर्स ऑफ रोड. तो हमें पहले स्टेटमेंट में बताया है कि चार कॉन्ट्रैक्टर्स 16.480 किलोमीटर्स रोड बनाते हैं. इसी को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे. रोड फोर कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्ट इज इक्वल टू 16.480 किलोमीटर. अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसकी जो लास्ट लाइन है, हाउ मच रोड इज कंस्ट्रक्टेड बाय ईच ऑफ देम, मतलब कि चार कॉन्ट्रैक्टर्स इतना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर कितना कंस्ट्रक्ट करेगा. तो एक कॉन्ट्रैक्टर कम कंस्ट्रक्ट करेगा तो हमें डिवाइड करके आंसर मिलेगा. उसके लिए हम लिखेंगे रोड वन कॉन्ट्रैक्टर विल कंस्ट्रक्ट इज इक्वल टू 16.480 डिवाइडेड बाय 4. अब हम डिवाइड करेंगे तो 16 जाएगा 4 में, 4 टाइम्स 4, 4 जा 16, तो 4 ऊपर लिखेंगे, 16 नीचे, माइनस करेंगे 0. नेक्स्ट आ गया डेसिमल, तो ये डेसिमल ऐसा का ऐसा ऊपर चला जाएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4, तो इसको हम नीचे लाएंगे. 4 वन जा 4, 1 ऊपर, 4 नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट नंबर है 8, 8 को नीचे लाएंगे. 4 टू जा 8, 2 ऊपर, 8 नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. अब क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में बताया था ये ज़ीरो सिर्फ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो है. तो इस ज़ीरो को इसीलिए नीचे नहीं लाया. अगर हम लाते तो यहाँ पर एक ज़ीरो और हो जाता तो आपका आंसर हो गया 4.12 किलोमीटर्स. यहाँ स्टूडेंट्स आपने दोनों तरीके से लिखा हुआ देख लिया, विद ज़ीरो एंड विदाउट ज़ीरो, एंड बोथ आर करेक्ट. आइए अब हम करते हैं वर्कशीट 8.4. मल्टीप्लाई 23.8 सेंटीमीटर्स बाय 4. क्वेश्चन टू. 2.069 किलोमीटर्स बाय 7. डिवाइड 26.64 मीटर्स बाय 8.
13.2 kilometers by 5. Question 5. Darsh cycles 4 kilometers 350 meters every day. How much distance does he cycle in 9 days? Question 6. A distance of 36.08 kilometers is covered equally in 4 days by a person on foot. How far does he walk each day? Question 7. Find the cost of 3.75 meter pipe at the rate of rupees 32 per meter. Students, please pause the video here और आप ये 7 questions solve करिए. Solve करने के बाद unpause करके answers देखिए. Solutions to worksheet 8.4. Question 1. Multiply 23.8 centimeters by 4. तो हम पहले एक के नीचे एक लिखेंगे, multiply का sign लगाएंगे और इसको normal multiply करेंगे इस dot को ignore करते हुए. तो हमारे पास आया 952. अब question में क्योंकि एक digit के बाद dot है right से, तो हम एक digit के बाद dot लगाएंगे. तो हमारा answer हो गया 95.2 centimeters. Question 2, 2.069 kilometers by 7. इसको multiply करके बिना dot के लिखेंगे. फिर question में देखिए 3 के बाद dot है, तो यहाँ पर भी हमने 3 के बाद dot लगा दिया. Answer हो गया 14.483 kilometers. इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट से काउंट नहीं करते हैं, डेसिमल्स को आप राइट साइड से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, और इसीलिए हमने 1, 2, 3 के बाद इधर डेसिमल लगा दिया. क्वेश्चन 3. डिवाइड 26.64 मीटर्स बाय 8. हम डिवीजन सिंबल बनाएंगे, 26.64 अंदर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे, देन 8 की टेबल में चेक करेंगे 26 कहाँ आता है. 26 नहीं आता, 26 से जस्ट छोटा नंबर आता है, हम वो लेंगे. 24, 8 3s are 24, 3 ऊपर 24 नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास आया डेसिमल. डेसिमल को ऐसा का ऐसा ऊपर लिखेंगे, तो 3 के बाद डॉट कर दिया. फिर हमारे पास आया 6, 6 को हम नीचे लाएंगे, 26, तो फिर से ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 ऊपर 24 नीचे, फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 को नीचे लेकर आएंगे. 24 3 टाइम्स जाएगा एंड हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके 0 बचेगा. तो आंसर हो गया 3.33 मीटर्स. डिवाइड 13.2 किलोमीटर्स बाय 5. हम डिवीजन सिंबल बनाएंगे, 13.2 अंदर लिखेंगे एंड 5 बाहर, देन 5 हम चेक करेंगे 13 कहाँ आता है. 5 2s are 10, 2 ऊपर 10 नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन डेसिमल आ गया. डेसिमल को ऐसा कैसा ऊपर लिखेंगे, देन 2, 2 को नीचे लेकर आएंगे. 6 ऊपर 30 नीचे, बिकॉज 5 into 6 is 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2 बचा है. अब क्योंकि ये डेसिमल है, आप इसमें कितने भी जीरोस पीछे लगा सकते हैं. यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, तो हम एक 0 नीचे ले आते हैं. और तो 5 4s are 20, ऊपर 4 लिखेंगे नीचे 20, एंड अब हमारे पास 0 आंसर आ गया. तो यहाँ आंसर हुआ 2.64 किलोमीटर. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2.6 लिखें और रिमाइंडर 2, ये नहीं कर सकते. आपको 0 लेकर आते रहना है अपने आप से, जब तक के लिए आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए. क्वेश्चन 5. दर साइकिल्स 4 किलोमीटर 350 मीटर्स एवरी डे. हाउ मच डिस्टेंस डज ही साइकिल इन 9 डेज. तो हमें एक दिन का बता रखा है एंड हमें 9 डेज का फाइंड आउट करना है. सो दिस इज़ अ मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन. अब हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स इसके. हमें इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है पहली लाइन में, दर साइकिल्स 4 किलोमीटर्स 350 मीटर्स एवरी डे, तो हम वही लिखेंगे डिस्टेंस साइकिल्ड इन 1 डे, 4.350 किलोमीटर. यहाँ हमने इसको किलोमीटर एंड मीटर को कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर में, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो हमने 350 मीटर्स को 1000 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 0.35, और फिर हमने इसको 4 से ऐड करा. नॉ डिस्टेंस साइकिल इन 9 डेज 4.350 इंटू 9. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 39150 आ गया. अब आप देखिए 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी हम राइट साइड से 3 नंबर्स लेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो गया 39.150. आंसर हो जाएगा 39.150 किलोमीटर्स. इसको आप 39 किलोमीटर्स 150 मीटर्स भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन 6.
A distance of 36.08 kilometers is covered equally in 4 days by a person on foot. How far does he walk each day? आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है फर्स्ट स्टेटमेंट में. अ डिस्टेंस ऑफ 36.08 किलोमीटर्स इज कवर्ड इक्वली इन 4 डेज. तो हमें बताया है 4 दिन में कितना डिस्टेंस कवर होता है. हम वही फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे. डिस्टेंस कवर्ड इन 4 डेज इज इक्वल टू 36.08 किलोमीटर्स. अब वापस क्वेश्चन को देखते हैं. हाउ फार डज ही वॉक ईच डे, मतलब एक दिन में वो कितना चलता है. तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, और ये होगा इक्वल टू जो 4 दिन का डिस्टेंस था उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से. तो हम लिखेंगे 36.08 डिवाइडेड बाय 4. फिर हम इसे डिवाइड करते हैं. डिवीजन सिंबल बनाया, 36.08 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा और फिर डिवाइड किया. 4 नाइन्स आर 36, 9 ऊपर 36 नीचे. इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर आया डेसिमल. डेसिमल को एज इट इज़ ऊपर कॉपी करेंगे और 9 के बाद डेसिमल लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर है 0, 0 नीचे आया, 0 0 टाइम्स जाएगा, माइनस 0, ऊपर भी 0 लिखा एंड सब्ट्रैक्ट किया. फिर नेक्स्ट डिजिट है 8, 8 को नीचे लेकर आएंगे. 4 टू ज़ा 8, 2 ऊपर 8 नीचे, माइनस करेंगे, 0 आया. हमारे पास हमारा आंसर आ गया 9.02 किलोमीटर्स. क्वेश्चन 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.75 मीटर पाइप एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे उनमें एंड में वो पूछते थे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, बट इधर इन्होंने फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.75 मीटर पाइप. तो पहले इन्होंने क्या फाइंड आउट करना है वो बताया है एंड बाद में रेट ऑफ द पाइप बताया है ₹32. अभी हमें पहले रेट वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप इज इक्वल टू ₹32. ना इन्होंने रेट लिखा है, इसी से आपको समझना है कि वो कॉस्ट बता रहे हैं पाइप की, और वो पर मीटर में बताया है रेट, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप. अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 3.75 मीटर पाइप. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3.75 मीटर पाइप इज इक्वल टू ₹32 इंटू 3.75. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12000 आया. अब आप देखिए क्वेश्चन में 2 डिजिट्स हैं डेसिमल में, मतलब कि राइट से आप 2 काउंट करके आप डेसिमल लगाएंगे. तो सेम चीज़ हम इधर करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे. तो हमारा आंसर हो गया ₹120.00. हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे. तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग.